हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रोवेक्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशन में और मैं आपका दोस्त गौनिक। सो दोस्तों, रोज निफ्टी ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है और पुट, जिन्होंने पुट ले रखी है, जिन्होंने निफ्टी को शॉर्ट कर रखा है, उनकी बैंड बज रही है रोज पिछले 10-15 दिनों से। ठीक है जी, अब हम कुछ आपको मैं कुछ दिनों से ऐसे स्टॉक्स बता रहा हूं जो हमारे को अभी भी यहां से मार्केट अभी ऑल टाइम हाई के आसपास जाने वाली है, अभी भी यहां से हमारे को 10-15-20-25-30-35-40% के पॉजिटिव रिटर्न्स दे सकती हैं। लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी टाटा मोटर्स पे, जिसको आपने प्यार नहीं दिया अभी तक। ठीक है जी, आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल कंपनी के ऊपर। सो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सिस्टम्स फॉर डिफेंस एज वेल एज फॉर नॉन डिफेंस मार्केट्स। द कंपनी प्रिंसिपल प्रोडक्ट्स इंक्लूड वेपन सिस्टम, रेडार एंड फायर कंट्रोल सिस्टम एटसेट्रा। तो ये एक आपको मैंने बता दिया है किस चीज की कंपनी है। इस कंपनी का ब्रांड नेम है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाने का काम करती है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका स्टॉक मार्केट में रैंक 95 है। अब हम बात करेंगे प्राइस चार्ट की। पिछले एक साल में इस कंपनी ने 62% के रिटर्न्स दिए हैं जो कि नॉट बैड, और मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो सन 2000 से लेके सन 2022 तक इस कंपनी ने 7342.19% के रिटर्न्स दिए हैं। ट्रिमेंडस रिटर्न्स हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। इस कंपनी ने ऑल टाइम लो लगाया है 1.27 का, मतलब ऑल टाइम, मतलब ये 22 साल के अंदर जो इसने लो लगाया है 1.27 का, और हाई 228 रुपए का कंपनी लगा चुकी है। आज ये शेयर 216.50 रुपए पे बंद हुआ है, तकरीबन 2.25% की गिरावट के साथ। इंट्रेंसिक, अब हम बात करेंगे कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। सबसे पहले इंट्रेंसिक वैल्यू, इसका करंट प्राइस इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू से ज्यादा है, मतलब ये शेयर हमें भी महंगा मिल रहा है। रिटर्न्स वर्सेस एफडी, पिछले बीते दिनों में इस कंपनी ने एफडी से बेटर रिटर्न्स दिए हैं। डिविडेंड रिटर्न्स, इस कंपनी के डिविडेंड रिटर्न्स भी अच्छे हैं। एंट्री पॉइंट, ये कंपनी को हम इस रेट पर बाय कर सकते हैं क्योंकि ये ओवरबॉट जोन में नहीं है टेक्निकल चार्ट पे। रेड फ्लैग्स की बात करें, स्टॉक नॉट इन ASM GSM लिस्ट एंड नॉट अ लॉट ऑफ प्रमोटर होल्डिंग इज प्लेज। तो या तो प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज नहीं है, अगर है तो कम है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। इस कंपनी ने लास्ट 14 सितंबर 2021 को 1.20 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था, तो डिविडेंड पेइंग कंपनी है। होल्डिंग ट्रेंड की बात करें तो पिछले 6 महीने में प्रमोटर की होल्डिंग इस कंपनी में स्टेबल रही है, बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग, या तो प्रमोटर की होल्डिंग, प्रमोटर की प्लेज शेयर नहीं है, और अगर है तो प्रमोटर ने प्लेज शेयर्स को कम कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, बहुत पॉजिटिव पॉइंट है ये भी। डिक्रीज म्यूचुअल फंड होल्डिंग, पिछले 3 महीनों में म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग इस शेयर के अंदर कम की है, ये एक नेगेटिव पॉइंट काउंट होगा इसके लिए। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग, मतलब सरकारी कंपनी है, सरकार की होल्डिंग 51.14% की है, मतलब मेजॉरिटी स्टेक सरकार के पास है। म्यूचुअल फंड के पास 22.64% की होल्डिंग है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 4.12% की होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 17.21% की होल्डिंग है। रिटेल और अदर यानी आप, मैं और हम, हमारे पास 4.89% की होल्डिंग है BEL कंपनी में। अब हम इसका कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं इसकी पीयर कंपनीज से। तो पीयर कंपनीज में
सबसे ऊपर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके बाद हनीवेल, फिर जीनस पावर, फिर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, राइट। अब सारों का कंपैरिजन करें, अगर पी रेशो में हमारे को सबसे सस्ता मिल रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, पॉजिटिव। पीबी रेशो में, प्राइस टू बुक रेशो में हमारे को ये शेयर जीनस पावर के बाद सबसे सस्ता स्टॉक मिल रहा है ये, राइट। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इसकी पीयर कंपनी से सबसे ज्यादा डिविडेंड यील्ड इसी कंपनी की है, पॉजिटिव। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर कंपनीज देखें तो सबसे ऊपर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आती है, सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी है। उसके बाद हनीवेल ऑटोमेशन, फिर जीनस पावर, फिर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, पांचवें नंबर पे जेन टेक्नोलॉजीज, छठवें नंबर पे सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स, सातवें नंबर पे कंट्रोल प्रिंट, आठवें नंबर पे अपोलो माइक्रोसिस्टम और नौवें नंबर पे जिंदल फोटो लिमिटेड, राइट। अब बाकी मैंने आपको पी रेशोस दे रखी है, पीबी रेशोस दे रखी है, डिविडेंड यील्ड दे रखी है, आप कंपेयर कर सकते हैं बाकी कंपनियों से। इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, ओवर द लास्ट 5 years रेवेन्यू हैज ग्रोन एट अ ईयरली रेट ऑफ 12.42% वर्सेस इंडस्ट्री का है 8.16%, पॉजिटिव। इंक्रीज मार्केट शेयर, ओवर द लास्ट 5 years मार्केट शेयर इंक्रीज फ्रॉम 53.52% टू 70.9%, तो मार्केट शेयर भी ये कंपनी का बढ़ गया है। फॉरकास्ट की बात करें, एनालिस्ट ने 80% एनालिस्ट ने इसको बाय की रिकमेंडेशन दी है, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे सीधा टेक्निकल चार्ट की। टेक्निकल चार्ट पे फिर से मुझे इनवर्स हेड एंड शोल्डर मिला है इस शेयर के अंदर। इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी समझ सकते हैं और कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन भी आप समझ सकते हैं इस शेयर के अंदर। अगर हम टारगेट की बात करें तो इसका टारगेट निकल के आ रहा है 257 रुपीज का, और अगर स्टॉप लॉस देखें तो स्टॉप लॉस इसका निकल के आ रहा है 182 रुपीज का, और करंट भाव से अगर टारगेट देखें तो तकरीबन 19% की अपसाइड अभी भी ये शेयर के अंदर इंटैक्ट है। अब आप कहेंगे कि भाई साहब टारगेट आने में कितना टाइम लगेगा, इसके लिए मेरे हाथ है खड़े, ठीक है जी। टारगेट हम नहीं बता सकते, हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कब आएगा टारगेट, कल भी आ सकता है, एक हफ्ते बाद भी आ सकता है, एक महीने बाद भी आ सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं और पूरा साल भी लग सकता है। जिसके पास जितनी पेशेंस है वो उतना मीठा, मतलब उतना ही ज्यादा पैसे इसके अंदर खाएगा, मतलब बनाएगा, ठीक है जी। पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए और पेशेंस रखिए, और इसके बाद आपको बताने जा रहा हूं। ये तो हो गया, अब मैं आपको दिखाता हूं कि मूविंग एवरेज इसके कितने ऊपर चल रहा है शेयर या कितने नीचे चल रहा है। तो मूविंग एवरेज 50 डे, 100 डे, 150 डे, 200 डे, सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी शेयर, तो पॉजिटिव माना जाएगा। अब इसके बाद बात करेंगे इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर में सबसे पहले MACD हिस्टोग्राम पॉजिटिव बन रहे हैं, ठीक है जी। जो स्लो लाइन है वो नीचे है और फास्ट लाइन ऊपर है, हिस्टोग्राम पॉजिटिव बन रहे हैं, MACD का चार्ट है पॉजिटिव। RSI की बात करें, RSI है 58 पर, ना ये ओवरबॉट है ना ये ओवरसोल्ड है, स्ट्रेंथ पकड़ रही है, RSI अच्छी खासी है, पॉजिटिव मानेंगे। वॉल्यूम पिछले 2 दिनों से जबरदस्त आ रही है शेयर के अंदर। DMI की बात करें, DMI में जो ब्लू लाइन देख रहे हैं वो ADX की लाइन है, वो स्ट्रेंथ की लाइन है। ADX की लाइन 11.83 पे है, ठीक है जी। इसी कारण ये शेयर तेजी से नहीं चल रहा, क्योंकि ये शेयर के अंदर अभी स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत कम है, पहले से बढ़ गई है बट अभी भी स्ट्रेंथ नहीं है शेयर के अंदर। ग्रीन लाइन बायर्स की है, येलो लाइन सेलर्स की है, ये भी पॉजिटिव है, बस स्ट्रेंथ आते ही ये शेयर अपना टारगेट पकड़ेगा, कितने दिन लगते हैं ये नहीं बता सकते, ठीक है जी। इसके बाद वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और कृपया करके मेरी वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए,
अदरवाइज मैं ये सारा स्टफ जो आपके लिए लेके आता हूं ना, ये मैं बंद कर दूंगा। ठीक है जी, मेरा काम ऐसे भी चल रहा है। मेरे को ये है कि मैं ज्ञान बांटता हूं। गुरु ने कहा है ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, बट आप बांटना नहीं चाहते, तो प्लीज मेरी वीडियो को प्यार दीजिए अपना। थैंक यू दोस्तों, लव यू, बाय बाय।